बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक एंड वी आर नाउ अगेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज बीएससी कंपल्सरी क्लास। वी हैव डन टू डिस्कशंस ऑन द डैम्ड ह्यूमन रेस बाय मार्क ट्वेन। दिस इज थर्ड वन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। इन आवर लास्ट मीटिंग वी did the first paragraph of Damned Human Race by Mark Twain. And in this paragraph, our writer, he tells us that he was forced to renounce the Darwinian theory of the ascent of man from the lower animals, and he has some other theory, that is the truer and the newer one. This is one important point we discussed, and now the second paragraph. पहला जो हमारा paragraph था उसमें उसने यही बताया है कि मैंने ये मजबूर हो गया कि मैं डार्विन की जो थ्योरी है जो कि इंसान को जानवरों से आगे ऊपर की तरफ तरक्की कराती है उसको छोड़ने पे मजबूर हो गया, और एक और नई जो थ्योरी है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी है कि इंसान जो है वो अच्छे या हायर एनिमल से नीचे की तरफ उसने तनजरी देखी है। बहुत सादा सी बात है। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ वो ज़रा देखें। इन प्रोसीडिंग टू टूवर्ड दिस अनप्लेजेंट कंक्लूजन आई हैव नॉट गेस्ड और स्पेक्यूलेटेड और कंजक्चर्ड बट हैव यूज व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। कह रहा है कि मैंने अपने ये जो अनप्लेजेंट सा कंक्लूजन जो मेरा मैंने नतीजा निकाला है कि इंसान जो है वो उसने तरक्की नहीं की बल्कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है इसने सफ़र किया है, तो इसके लिए मैंने कोई गेस नहीं किया कि ये मैंने ऐसी गेस कर लिया, ना ही मैं कोई स्पेकुलेशन मतलब क्या असर आई की है, और ना ही मेरी कोई ये डे ड्रीमिंग या ख्याली पुलाव मैंने पकाया हुआ, बल्कि आई हैव यूज्ड व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड, बल्कि मैंने वो तरीका जिसको आम तौर से साइंटिफिक या साइंसी तरीका कहते हैं मैंने उसको इस्तेमाल किया है। वो साइंसी तरीका क्या है? वो साइंसी तरीका ये है, दैट इज़ टू से, इसका मतलब ये, आई हैव सब्जेक्टेड एवरी पास्टुलेट, कि मैंने सारे जो मफरूज़े हैं हर एक जो मफरूजा है उसको मैंने लिया है, दैट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द क्रूशियल टेस्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जो अपने आप को एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के सख्त टेस्ट के लिए जो जिसने अपने आप को पेश किया, एंड हैव अडॉप्टेड इट, और मैंने इसको या तो इख्तियार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और रिजेक्टेड इट, या मैंने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट। क्या कहना चाह रहा है कि मैंने ये जितनी भी बातें मैंने की हैं तो जो कोई भी पहले से कोई मफरूजा कायम किया गया था तो मैंने उसको देखने समझने के लिए एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया है जिसे कि साइंटिफिक मेथड कहते हैं। मैंने इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कोई ऐसी डे ड्रीमिंग या ब्रूडिंग या कोई ऐसी फजूल किस्म की कोई हेलुसिनेशन का शिकार नहीं हुआ मैं, बल्कि मैं एक एक्सपेरिमेंट से गुजरा हूँ। जो भी मफरूजा होता था उस एक्सपेरिमेंट से गुजारने के बाद मैं उसको रिजेक्ट या फिर उसको मैं एक्सेप्ट करता था। देखते हैं, दस आई वेरीफाइड दस ए वेरीफाइड एंड एस्टेब्लिश ईच स्टेप ऑफ माय कोर्स इन इट्स टर्न। चनाचे मैंने हर जो मेरा काम था उसमें उसको मैंने वेरीफाई किया, उसके बाद फिर उसे इस्टेब्लिश किया। बिफोर एडवांसिंग टू द नेक्स्ट, दूसरे तजर्बे की तरफ या दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले मैं उस पहले स्टेप को अच्छी तरह से वेरीफाई करता था, फिर आगे मैं जाता था। दीज एक्सपेरिमेंट्स वर मेड, ये जो तजर्बात मैंने किए हैं और उन तजर्बात के बाद मैं एक नतीजे पे ख़ास नतीजे पे पहुँचा हूँ, तो वो दीज एक्सपेरिमेंट्स दे वर डन वेयर इन लंदन जूलॉजिकल गार्डन, यहाँ पर मैंने ये तजर्बात किए हैं, ठीक है।
कहता है मैंने साइंटिफिक जो मेथड इस्तेमाल किया है उसके रूह से तो ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट ही होते हैं। एक्सपेरिमेंट जब कोई चीज़ करेंगे आप तो फिर उसको आप सही या गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन साइंसदान जो है जो साइंटिस्ट है अगर वो अपना तजर्बा जो है वो लैब में करता है, तो मैंने भी एक सॉर्ट ऑफ लैब जो है वो इवॉल्व की है। और वो जो लैब है वो कौन सी है, वो लंदन जूलॉजिकल गार्डन है जहाँ पे मैंने तजर्बा किया है, और जहाँ पे तजर्बा करते हैं वो लैब कहलाते हैं। एंड कवर्ड मैनी मंथ्स ऑफ पेन्स टेकिंग एंड फटीगिंग वर्क, और मैंने कई महीने जो हैं वो सख्त मेहनत और जानफशानी के जो हैं वो वहाँ पे गुजारे। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, बिफोर पर्टिकुलराइजिंग एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, किसी भी तजर्बे को पर्टिकुलराइज खास बनाने से पहले, आई विश टू स्टेट वन और टू थिंग्स, मैं दो एक चीज़ें जो हैं उनको बयान करना जो है वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन्हें बयान कर दूँ, ठीक है। विच सीम टू मोर प्रॉपरली बिलोंग इन दिस प्लेस, जो कि ज़्यादातर इस जगह से तलक है कि ये इस जगह पर मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ दैन फर्दर अलॉन्ग, बजाय इसके कि मैं बाद में इनको एक्सप्लेन करूँ। तो मेरा ख्याल है कि दो एक चीज़ें उनको मैं यही बेहतर है कि यहाँ यहीं पर इसी जगह पर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लियरनेस, ये जो क्लैरिटी है उसके मफाद में है कि मैं इसको इधर ही क्लियर कर दूँ। द मास्ट एक्सपेरिमेंट्स एस्टेब्लिश टू माई सेटिस्फेक्शन सर्टन जनरलाइजेशन, ये जो इतने सारे तजर्बात मैंने किए हैं मेरी सेटिस्फेक्शन की हद तक कुछ मैंने कुछ जनरलाइजेशंस जो हैं वो मैंने निकाली हैं। वो जो जनरलाइजेशन जो हैं या वो जो असूल हैं वो कौन से हैं, वो ये तीन असूल हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन सा। फर्स्ट जो चीज़ है कहते जो मैंने देखी है वो ये है दैट द ह्यूमन रेस इज़ ऑफ वन डिस्टिंक्ट स्पीशीज़, वो ये है कि ये जो बनीनो इंसान है, जो इंसान है ये एक ख़ास स्पीशीज़ है, इस जैसी और कोई नहीं, ठीक है। ये जहाँ कहीं पे भी होगी ये उसी तरह से मखसूस और डिस्टिंक्ट है। आगे ज़रा इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, देखिएगा ज़रा। इट एग्जिबिट्स स्लाइट वेरिएशंस, ये बहुत ही थोड़ी सी तब्दीली इसमें देखते हैं, कहाँ पे, इन कलर में, स्ट्रक्चर ये बॉडी जिसामत में, मेंटल कैलिबर में, एंड सो ऑन, और इसी तरह से दूसरी चीज़ें। किस वजह से, ड्यू टू क्लाइमेट की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, एंड सो फोर्थ, और दूसरी चीज़ों की वजह से। कहते हैं ये सारी स्पीशीज़ जो है ना बनीनो इंसान, ये एक स्पीशीज़ है, ठीक है। अगर हम मुख्तलिफ जगहों पे इसमें वेरिएशंस देखते हैं या चेंजेस देखते हैं ना, तो वो चेंजेस या वेरिएशंस जो हैं वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के वजह से हैं। इज़ अ स्पीशीज बाय इटसेल्फ, कहते हैं ये अपने कलर और बाकी स्ट्रक्चर और इस तरह से माहौल और दूसरी चीज़ों की वजह से, ये अपने स्ट्रक्चर और कलर शलर में तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये एक स्पीशीज़ है या स्पीशीज़ है अपने अंदर, एक ख़ास मखलूक है ये, एंड नॉट टू बी कन्फाउंडेड विद एनी अदर, और इसे किसी दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ये जो बनीन इंसान है, ह्यूमन रेस इज़ वन पर्टिकुलर स्पीशीज़, राइट, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल the differences in color, stature or mental caliber and height and whatever, all these people, all this human race is more or less same wherever these people are living, whether they live in north, whether they live in south or east or west, they all are one particular species and they vary in their color and body structure and stature, but so far as their
their behaviors are concerned, they are very much same. They are same so far as their nature is concerned. So this is what he wants to say. Next point hai beta, that the quadrupeds are a distinct family also. और ये कि ये जो चुपाए हैं जिन्हें हम जानवर कहते हैं, ये भी एक अलग डिस्टिंक्ट फैमिली है, एक अलग खानदान है, एक मखलूक है. दिस फैमिली एग्जिबिट्स वेरिएशंस, इस ख़ानदान के अंदर भी वेरिएशंस हैं, ठीक है, कलर में, साइज में, फूड प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन, और इसी तरह दूसरी चीज़ें. बट इट इज़ अ फैमिली, इट इज़ अ फैमिली बाय इट्सेल्फ. और ये भी अपने अंदर एक फैमिली है, जिस तरह से वो एक फैमिली है, ऐसे ही ये जानवर जो हैं ये भी अपने अंदर एक फैमिली है. दो चीज़ें होगी, एक तो ये है कि इंसान जो है वो एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज है या एक फैमिली है, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी होगा ये एक जैसे हैं सब, एक ये बात. और दूसरी बात यह है, ये जो जानवर हैं या छुपाए जो हैं, ये भी एक मखलूक है, एक स्पीशीज़ है या फैमिली है, ठीक है, इनमें भी वेरिएशन होते हैं कलर के, लेकिन ये भी अपने ये भी अपने अंदर एक अलग से मखलूक है. इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना. ये जो एक्सपेरिमेंट वो कह रहा है कि जो मैं करने जा रहा हूँ, आपने इन दो तीन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है कि इनको आपने एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग फैमिली से, अलग अलग ग्रुप से तल्लक रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट या फिर थर्ड जिसे हम पॉइंट कहते हैं वो है जी, दैट द अदर फैमिलीज़, और ये कि जो दूसरी फैमिलीज़ हैं जैसे द बर्ड्स, द फिशेस, द इंसेक्ट्स, द रिप्टाइल्स एट्सेट्रा, आर मोर और लेस डिस्टिंक्ट आल्सो. ये जो बर्ड्स हैं ये भी अपने लिहाज से थोड़े बहुत ये भी एक अलग से स्पीशीज़ ये भी हैं, ठीक है. तो बात क्या हुई, देयर आर इन द पोसेशन, इस हजूम में वो भी शामिल हैं, ठीक है. दे आर लिंक्स इन द चेन, ये उस चेन का हिस्सा हैं, विच स्ट्रेचिज डाउन फ्रॉम द हायर एनिमल्स टू मैन एट द बॉटम. और ये जो बर्ड्स हैं ये असल में वो लिंक्स हैं उस चेन का, जो कि इस इंसान के ऊपर हायर एनिमल से नीचे बॉटम की तरफ जाने में जो दरमियान में जो लिंक्स आते हैं ना, ये बर्ड्स जो हैं असल में ये वो लिंक्स हैं. तो ये तीन चीज़ें हैं कि इंसान जो है वो एक अलग स्पीशीज़ है, ठीक है, ये जो क्वाड्रुपेड्स हैं ये अलग छुपाए जो हैं वो एक अलग यू कैन से फैमिली है या स्पीशीज़ है, और इन दोनों के दरमियान में बर्ड्स या रिप्टाइल्स जो हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स और वो सारे क्रॉलिंग जितने भी हैं, ये असल में हायर एनिमल से नीचे की तरफ आते हुए दरमियान में जो लिंक्स हैं वो ये असल में बनते हैं, ठीक है, कि इंसान ने क्या किया है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए इन रेप्टाइल्स और इन जानवरों और क्रॉलिंग जितने भी वो जानवर हैं उनकी शक्ल ये और ख़ूबियाँ और खसूसियात जो रखता है, क्योंकि हमने बात पहले ये डिसाइड कर ली हुई है कि असल जो थ्योरी है वो ये है, डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल्स. नेक्स्ट पेज पे मेरा बेटा देखें, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वर क्वाइट क्यूरियस, कुछ जो तजर्बात थे वो बहुत ही ज़्यादा मुतजस्सिस थे, यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा तजस्सिस पाया जाता था, अमेजिंग देवर. इन द कोर्स ऑफ माई रीडिंग आई हैड कम अक्रॉस अ केस, मैं अपने उसमें पढ़ते हुए मैंने एक केस ऐसा मुझे मिला, ठीक है, वेयर मैनी ईयर्स अगो. अच्छा ये बेटा वर्ड जो है YEAR S, इसे आपने ना ईयर पढ़ना है ना ही आपने देखा ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है, या फिर ईयर, नहीं ये इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि इसे य, ठीक है, फिर से देखिएगा, मैनी ईयर्स अगो, ईयर नहीं ना ही ईयर है, ईयर. इसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन के हवाले से अगर देखना हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगा वाई
E-R, year. ठीक होगी बात. Many years ago, some hunters, कुछ hunters जो हैं, कहते हैं काफ़ी साल पहले ये हुआ कि कुछ hunters जो हैं उन क्या किया, on our great plains, हमारे यहाँ पे उन्होंने organized a buffalo hunt, एक buffalo hunt जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, किसके लिए? फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एन इंग्लिश अर्ल, एक इंग्लिश अर्ल या इंग्लिश नवाब जो है उसकी एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने एक कह लें एक बफलो हंट, भैंस के शिकार के लिए उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया जी. दे हैड चार्मिंग स्पोर्ट, दे किल्ड, बड़ा उन्हें मज़ा आया. क्या किया उन्होंने? दे किल्ड 72, उन्होंने 72 जो हैं, 72 ऑफ दोज ग्रेट एनिमल्स, उन बड़े जानवरों में से 72 जो हैं उनको मारा. एंड 8 पॉड ऑफ वन ऑफ देम, और उनमें से एक का एक हिस्सा ही खाया. एंड लेफ्ट द 71 टू रॉट, और 71 जो हैं उनको गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया. In order to determine the difference between the anaconda and an earl, anaconda और एक earl के दरमियान में फ़र्क को establish करने के लिए, if any, कहता अगर उन दोनों के फ़र्क है ना तो उनको determine करने के लिए मैंने क्या किया, I caused 7 young calves to be turned into the anaconda's cage, मैंने anaconda के cage के अंदर 7 जो कॉव्स हैं, बछड़े जो हैं, उनको डाल दिया. द ग्रेटफुल रिप्टाइल इमीडिएटली क्रश्ड वन ऑफ देम, उस एनाकोंडा ने उनमें से एक को फौरन ही क्रश कर दिया, कुचल के रख दिया. एंड स्वेलोड इट, और उसे खा लिया. देन ले बैक सेटिस्फाइड, और उसके बाद वो पीछे वगैरह आराम से बैठ गया. इट शोड नो फर्दर इंटरेस्ट इन द कॉव्स, उसने बछड़ों में मजीद कोई अपना दिलचस्पी नहीं दिखाई. एंड नो डिस्पोजिशन टू हार्म देम, और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोई टेंडेंसी दिखाई. आई ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट, मैंने यही तजर्बा जो है विद अदर एनाकोंडास, दूसरे एनाकोंडास के साथ ही मैंने यही तजर्बा किया कि भाई ऐसा ना हो कि सिर्फ इसने ऐसा किया है तो बाकी देखते हैं क्या करते हैं. बाकियों ने क्या किया? ऑलवेज विद द सेम रिजल्ट, बाकियों ने भी यही काम किया, ऑलवेज विद द सेम रिजल्ट, इसी रिजल्ट, बिल्कुल सेम रिजल्ट मुझे मिला. द फैक्ट स्टूड प्रूवन, ये जो फैक्ट है, हकीकत जो है वो साबित हो गई. दैट द डिफरेंस, के जो फ़र्क है बिटवीन एन अर्ल, अर्ल के दरमियान में, एंड एनकोंडा, और एनकोंडा के दरमियान में, इज दैट द अर्ल इज क्रूअल, के अर्ल जो है वो नवाब जो है वो जालम है. एंड एनाकोंडा इजंट, और एनाकोंडा जो है वो जालम नहीं है. आपको याद होगा हमने ये सारी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया था. यहाँ पे आप एक नंबर लिख लें और इसको हम इस पैराग्राफ के हवाले से देखेंगे कि ये असल में इंसान को क्रूअल साबित करने का एक एक्सपेरिमेंट है. ठीक है ना, और एनाकोंडा जो है वो नहीं है, बट मैन इज़ वेरी मच क्रूअल. अच्छा जी, एंड दैट द अर्ल वेंटनली डिस्ट्रॉयज, और उस अर्ल ने ऐसे ही बड़ी शोखी में ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया. क्या चीज़ डिस्ट्रॉय की उसने? व्हाट ही हैज़ नो यूज़ फॉर, जो कि उसके लिए कोई, जो चीज़ उसके लिए इस्तेमाल के लिए भी नहीं थी, तो उसने उसको ऐसे ही ख़राब कर दिया. बट द एनाकोंडा डजंट, लेकिन एनाकोंडा ने ऐसा नहीं किया. कैसे ये बात कैसे है कि उन्होंने 72 जो बफलोज हैं उनको मारा और सिर्फ एक का कुछ हिस्सा जो है खाया, और बाकी जो है 71 उनको ख़राब होने के लिए छोड़ दिया. लेकिन एनाकोंडा ने एक बछड़े को मारा है और इसी को खा गया, और बाकी को कुछ भी नहीं उसने कहा. कहता है इस वजह से ये उसने इतनी सारी चीज़ें जो हैं उनको अपनी शोखी में ही डिस्ट्रॉय कर दिए. इंसान इस तरह से करता है कि उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन चीज़ों को तबाह करता जाता है. दिस सीम टू सजेस्ट, ये चीज़ दिखाती है दैट द एनाकोंडा वॉज नॉट डिसेंडेड फ्राम द अर्ल,
यही चीज़ दिखाती है कि एनाकोंडा जो है ये अर्ल से निचली तरफ डिसेंड, मतलब उसका उसके ए, ए, क्या उसे कहना चाहिए कि बौजदाद में से नहीं है, बल्कि क्या है, इट आल्सो सीम टू सजेस्ट दैट अर्ल वॉज डिसेंडेड फ्रॉम द एनाकोंडा, कि ये जो अर्ल है ना ये असल में एनाकोंडा से नीचे की तरफ तरक्की की गई हुई एक शक्ल है, एंड हैड लॉस्ट अ गुड डील इन द ट्रांजिशन, और इस तब्दीली के अंदर उसने काफ़ी सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो अपनी वो उसको लूज़ कर दिया है। जब वो एनाकोंडा से नीचे की तरफ उसने डिसेंड किया है ना, तो उसने इस तब्दीली के अंदर अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं उनको वो लूज़ कर बैठा है। इतना बेटा काफ़ी है, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।